फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, और इस चैप्टर का ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी एग्ज़ाम्स में इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, और इसको कैसे याद करना है, कैसे क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम में मैं सारे पीडीएफ सेंड कर चुका हूं और ये भी सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन, फिर एब्रिविएशन मतलब उसका शॉर्ट रूप, और उसका हेडक्वार्टर, फिर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताऊँगा, कैसे याद करना है ट्रिक वो भी बताऊँगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है यूएनओ, ये आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, यूएनओ, ये मैक्सिमम लोगों को याद होगा। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ आपको पता है यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रेन फंड होता है, यूनिसेफ, ये आपको पता होगा। दोस्तों मैंने हिंदी उन्हीं का लिखा है जिनका हिंदी बहुत सरल है, जिनका शॉर्ट ज़्यादा फेमस है, सूक्ष्म रूप जो होता है वो ज़्यादा फेमस है, उसे तो आप ऐसे ही याद कर लोगे। मान लो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं बोलते हो, WHO बोलते हो, तो WHO ही याद करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों याद रखेंगे, अदरवाइज इसी तरीके से काम चलता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल भी रहा है। नेक्स्ट है UNCTAD। UNCTAD का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसकी जो है हेडक्वार्टर है जेनेवा में, एंड इसका जो जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना हुई थी कब, स्विट्जरलैंड में 1964 में। WHO के बारे में आपको पता ही है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जिसका ट्रिक मैं लास्ट में देने वाला हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ है, तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1919 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हिंदी में अगर बोले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ये कहाँ है, तो ये इसकी भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इंटरनेशनल कमिटी मतलब सीधे आप याद रखो रेड क्रॉस, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। 1863 में हेनरी ड्यूनांट ने इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, तो हेनरी ड्यूनांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का ये एक पार्ट था, बाद में एक और एग्रीमेंट होता है उसके तहत 1995 में इसे, इसका पहला नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा भी इसका हेडक्वार्टर है। आप सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि सब में वर्ल्ड लगा हुआ है, जिसमें भी मैक्सिमम, सब में नहीं, मैक्सिमम में जिसमें वर्ल्ड लगा है शुरू में, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा ही है। इसके अलावा भी कुछ का हेडक्वार्टर जिनेवा है, बट मैक्सिमम केस में वर्ल्ड वाले का जिनेवा है, सबका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो है यूनेस्को। यूनेस्को का क्या काम है, आपको पता ही है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चरल एंड साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, इसे ज़रूर याद रखिएगा। वीपो के बारे में बहुत सवाल पूछा गया है, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, ये जो है इसका हेडक्वार्टर है, इसका भी जेनेवा, और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है किसी की, किसी कंपनी की हो, कोई ट्रेडमार्क हो, या फिर कोई अपने बुद्धि से बनाया हो, सबका ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IOS, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वियना, इसके जो है अपॉइंटमेंट इनके हेड की अभी रिसेंट में हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, 1957 इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ईयर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, तो ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
तो इसका तो आपको पता होगा, ओपेक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कतर ने ओपेक छोड़ने का निर्णय किया था, तो ये आप याद रखिएगा। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में मैं डेली अपने करंट अफेयर्स में रिवीजन कराता हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज़ जान जाइए, मेरे जो भी करंट अफेयर्स डेली आते हैं उसमें मैं 100 से 150 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ, और उस रिवीजन के साथ साथ आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी का मौका मिल जाता है। आपके 2 से 3 घंटे अगर उतने जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करोगे तो अलग से लगेगा, ठीक है। बहुत सारे अगर आप लोग आज के करंट अफेयर्स नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स डेली देखिए, करंट अफेयर्स डेली देखने से आपके 15 मिनट में मैं ये गारंटी देता हूँ कि लगभग 300 फैक्ट्स अलग से रिवीजन करा देता हूँ करंट अफेयर्स के साथ, मैप के साथ, ठीक है। तो डेली देखा कीजिए करंट अफेयर्स, 15 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 15 मिनट नहीं देखने से बहुत कुछ चला जाएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 1945 और वर्ल्ड बैंक दोनों 1945 में बताता हूँ, और वाशिंगटन डीसी दोनों का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO इसका हेडक्वार्टर है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैरीटाइम में सबसे ज़्यादा अवेयर लोग कहाँ के थे, तो वो लंदन के थे, तो उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाया लंदन में ही। मैरीटाइम मतलब कि समुद्री व्यापार, ठीक है। तो मैरीटाइम जो है वो कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1961। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एक भारतीय इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अगर इफ़ यू नो दैट नेम ऑफ द पर्सन, ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स, तो आपका उनको नाम पता है तो प्लीज़ बताइए। द हेग स्विट्जरलैंड, द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दो देशों के बीच में जो मामला होता है किसी भी तरीके का, उस पर यह सुनवाई करती है। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, फूड से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये आपको पता होगा। फूड से रिलेटेड जो भी होगा उसका रोम होगा। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसमें अमेरिका मुख्य रूप से लीड करता है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसका हेडक्वार्टर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप इसका PDF लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, और मैं डेली करंट अफेयर्स में इसको खुद ब खुद आपका रिवीजन करा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और लास्ट तक ही देखिए क्योंकि जिन्होंने बीच में छोड़ दिया उनकी पढ़ाई तो वैसे भी छूट गई। अगला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इसका मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश से एनर्जी निकलता है, जल से होता है, इसके रिलेटेड ये। और उधर जो था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सब अलग अलग चीज़ें हैं, आपको यही तो ध्यान देना है, ठीक है। पेट्रोलियम कंट्रीज का जैसे आपने देखा था यहाँ ओपेक, उसी तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 1957 में है, ओपेक 1960 में, और 2009 में क्या है? तो 2009 में है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC, SAARC का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, इसका इस्टेब्लिशमेंट जरूर याद रखिए 1985 में। और मैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें SAARC आसियान जिसमें भी इंडिया मेंबर है उसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में स्पेशल से मेंशन रहेगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे SAARC हुआ, SAARC का मेंबर इंडिया है, और उसके ट्रिक भी लाऊंगा, जैसे बिम्स्टेक का मेंबर इंडिया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जकार्ता 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद भी होगा, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी लेकिन अब हो गई है ईस्ट कालीमंतन। दोस्तों ये हमारा दूसरा चैनल है वन डे एग्जाम पॉइंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ए बेटर अपडेट। और अगर आप इससे हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और इस पर करंट अफेयर्स 6 बजे आ जाता है डेली, तो जहाँ भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट इस पर मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके साथ साथ ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1989 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। देखिए वो इस्लामिक कोऑपरेशन था जिसमें इंडिया को इस बार बुलाया भी गया था स्पीच देने के लिए, तो जेद्दा साउद अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसका जो है न्यूज़ में था तो हो सकता है पूछा जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये हुआ था 1969 में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ
केमिकल वेपन्स OPCW, देखिए केमिकल वेपन आप याद रखिएगा, केमिकल वेपन ट्रिक से, इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, उधर द हेग एक और हेडक्वार्टर था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इसका 97 में एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। देखिए इसके पीछे कहानी ये है कि जो भी केमिकल वेपन बनाते थे देश, उनको रोकने के लिए, जांच करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर WWF, ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, WWF भी करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कोलोंगी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको जरूर याद रखिएगा। और हर साल इसकी एक जगह मीटिंग होती है, मीटिंग प्लेस है दावोस स्विट्जरलैंड, दावोस में इसकी मीटिंग होती है, कोलोंगी इसके हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है मोनाको, 1921 में हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसकी स्थापना हुई थी कब, ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अब इसका काम क्या है, जो भी नेचर के एक्सटिंक्ट या फिर जो प्राणी को खतरा है उसकी ये लिस्ट जारी करती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये काम करती है, जो भी जीव जंतु स्पीसीज जंगल ये सब के लिए ये काम करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में नहीं है, क्योंकि इसकी हिंदी है ही नहीं, और हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, तो सबसे ज़्यादा ईजी यही रहता है कि IUCN याद कर लीजिए, ICC याद कर लीजिए। अब बार बार आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ बोलोगे तो आई होप उतने टाइम में आप ICC याद करके निकल लो, टाइम बचाओ यार, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वाला 1974, और मैड्रिड स्पेन इसकी हेडक्वार्टर है। ये सारा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये ख़त्म होता है अभी, तब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय फॉर नाउ।